सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल टेक राज में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है और आप अपनी चेकबुक अप्लाई करना चाहते हो, दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल से ही अपनी चेकबुक अप्लाई कर सको। क्योंकि दोस्तों, जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तब से लोग कैश कम और चेक का ज़्यादा यूज करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी चेकबुक ख़त्म हो गई है या फिर जो भी चेक होते हैं वो पूरे भर चुके हैं तो कैसे आप अपनी नई चेकबुक अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल से ही। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी से कॉल करने की जरूरत पड़ेगी। आप अपने मोबाइल से ही एक मिनट के अंदर नई चेकबुक अप्लाई कर सकते हो और कुछ ही दिनों में अपने घर पर अपने परमानेंट एड्रेस पर मंगा सकते हो, जिसमें दोस्तों आपको जो चार्ज लगता है वो चार्ज लगेगा और आपको एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों, अगर आप बैंक से चेकबुक लेते हो तो जितना चार्ज आपको बैंक में जाकर देना है उतना ही चार्ज आप मोबाइल से अप्लाई करने पर दोगे, आपको एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। अगर आपको दोस्तों अपनी चेकबुक अप्लाई करनी है तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको HDFC बैंक की एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो आपको इसे पहले अपने पासवर्ड से ओपन करना है। चलिए मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने दोस्तों आपका अकाउंट ओपन हो गया आ जाएगा। तो आपको ऊपर थ्री लाइन दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों जो पे का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा चेक, ये वाला आपको इसी पर क्लिक करना है क्योंकि हम चेक के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर तीन चार ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा व्यू चेक स्टेटस का, दूसरा है दोस्तों स्टॉप चेक पेमेंट का, यानी कि अगर आप अपने चेक का पेमेंट स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आपका चेक कहीं पर लगा हुआ है तो जिसके पास भी चेक है वो आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता क्योंकि आपने यहाँ से स्टॉप किया हुआ है। जब तक आप इसे ओपन नहीं कर दोगे, ऑन नहीं कर दोगे, तब तक कोई भी आपके चेक से पैसे नहीं निकाल सकता। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है गेट न्यू चेकबुक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी नई चेकबुक अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब भी हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फुल KYC होने के बाद हमारे पास हमारे एड्रेस पर एक नई चेकबुक आती है। तो अगर वो आपकी चेकबुक भर चुकी है तब आप यहाँ से नई चेकबुक अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका पूरा एड्रेस और आपका अकाउंट नंबर और जितना ही आपके अकाउंट में बैलेंस है सब शो हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें एक नोट लगा हुआ है जिसमें ये साफ बता रहा है कि अगर आपके पास जो चेकबुक है वो ख़त्म हो चुकी है और उसको अभी 6 महीने नहीं हुए हैं ख़त्म हुए, तो आप नई चेकबुक अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप नई चेकबुक अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको 75 रुपया देना होगा। और दोस्तों अगर आप फ्री में अप्लाई करना चाहते हो तो आप 6 महीने के बाद ही कर सकते हो। मतलब ये दोस्तों कि आपके पास जो भी चेकबुक बैंक की तरफ से आई थी उस चेकबुक को ख़त्म हुए 6 महीने हो चुके हैं, या फिर वो 6 महीने तक आपने यूज किया है, या फिर दोस्तों आप नई चेकबुक अप्लाई करना चाहते हो तो आप तभी कर सकते हो फ्री में जब आपकी पुरानी चेकबुक को 6 महीने हो चुके होंगे। अगर आपकी पुरानी चेकबुक को 6 महीने नहीं हुए हैं और आपकी चेकबुक ख़त्म हो चुकी है और आप नई अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 75 रुपये पर चेकबुक देना होगा, जो कि दोस्तों एक बैंक की तरफ से मैनुअल चार्ज है। तो दोस्तों इसमें आपको साफ दिख रहा है कि आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कन्फर्म करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर कन्फर्म करोगे आपके सामने आपकी चेकबुक अप्लाई हो जाएगी और आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर कुछ ही दिनों में आ जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपनी चेकबुक अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। दोस्तों आपको बस अपनी HDFC बैंक की एप्लीकेशन को ओपन करना है और चेक वाले ऑप्शन पर आ जाना है, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आपकी चेकबुक पुरानी वाली कितने टाइम पहले आई थी आपको ये खुद पता होगा, क्योंकि जब चेकबुक आती है तो उसके साथ जो फॉर्म आता है उसमें साफ लिखा होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप पता ला सकते हो कि आपकी चेकबुक को आए हुए 6 महीने हुए हैं नहीं हुए हैं। अगर 6 महीने हुए हैं तो दोस्तों आपकी चेकबुक फ्री में अप्लाई हो जाएगी, और अगर नहीं हुए हैं तो आपके अकाउंट से 75 रुपये कट जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस अच्छे समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपनी HDFC बैंक की चेकबुक को अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसमें कितना चार्ज लगेगा
और अगर आप फ्री में अप्लाई करना चाहते हो तो आप कब कर सकते हो, ये सब आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है, आप अच्छे समझ चुके होंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।